किसानों ने फिलहाल रोका दिल्ली चलो मार्च। किसान नेता सरवन सिंह पटेल बोले, शुक्रवार तक बताएंगे अपनी रणनीति। किसान नेता सरवन सिंह पटेल का बड़ा बयान, आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हम पर हमला किया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, सुरक्षा कर्मियों पर किया गया पथराव, 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकार ने किसानों से फिर की बातचीत का प्रस्ताव रखा है उनके सामने, कृषि मंत्री बोले शांति बनाए रखना है जरूरी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया सामने, बोले पांचवें दौर में एमएसपी पराली एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की केंद्र से अपील, कहा किसानों की मांगों पर गौर करे केंद्र सरकार। किसानों के आंदोलन के लिए बीजेपी स्पीच अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा का बयान आया सामने, बोले हमने अन्नदाताओं को दिया सम्मान। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा चुनाव से पहले कर्ज माफी का करते हैं वादा। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है, कांग्रेस ने आंसू गैस के प्रयोग को गलत बताया है। हरियाणा में फिर बढ़ गई मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी, 7 जिलों में 23 फरवरी पर रोक लगा दी गई है। आंदोलन के बीच किसानों को केंद्र का बड़ा तोहफा, गन्ने की कीमतों में 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया। कैबिनेट से गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी, 315 की बजाय 340 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा गन्ना। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से किसान कल्याण के लिए काम किया। किसानों के आंदोलन पर भी बोले अनुराग ठाकुर, सरकार पहले भी बात के लिए तैयार थी और आज भी है। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूरत में 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। गुजरात को पीएम मोदी देंगे 48,000 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले द्वारका में गोमती घाट पर की गई आरती, हजारों धुएं से जगमगाया पूरा घाट। गुजरात के बाद वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री, 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, संत निरंजन दास से करेंगे मुलाकात, जनसभा को करेंगे संबोधित। INTIA गठबंधन पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा सीट बंटवारे पर हुई थी देरी, जल्द हो जाएगा फैसला। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजा भैया से मुलाकात की, लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम मानी जा रही है बैठक। स्वामी प्रसाद मौर्य आज करेंगे अपनी पार्टी का आगाज, तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का होगा प्रतिनिधि सम्मेलन। बीजेपी ने की ममता सरकार को घेरने की तैयारी, आज संदेश खाली पर जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली की घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले बंगाल में हो रहा महिला अपराध। बीजेपी नेताओं पर आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहने का आरोप, ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के लिए पगड़ी वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी। संदेशकारी हिंसा पर NHRC ने लिया संज्ञान, बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में जवाब मांगा। बंगाल के DGP राजीव कुमार ने संदेश खाली का दौरा किया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम भजनलाल ने खत्म किया VIP कल्चर, आम आदमी की तरह ट्रैफिक पर रुकेगा काफिला। LSC को लेकर भारत चीन के बीच 21वें दौर की बातचीत हुई, शांति और सद्भाव बनाए रखने पर सहमति हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच विंटर गेम्स का आगाज हुआ, राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी में फंसा दूल्हा, मदद के लिए पहुंचे CRPF के जवान, बुलेट प्रूफ गाड़ी से दुल्हन तक पहुंचाया। करगिल में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, बर्फ पर स्लाइड करते नजर आए बच्चे। सोनमर्ग में अवलांच के बाद सिंध नदी जाम हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग बर्फ हटाने के कार्य में जुटा। हिमाचल की चंबा से खबर, बरसात बर्फबारी ने बढ़ा दी परेशानी, कई इलाकों में बिजली गायब, 121 सड़कें बंद हुई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में तीर्थ क्षेत्र चूड़धार में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में बढ़ गई पर्यटकों की संख्या, पहाड़ी इलाके में जमी बर्फ। गुजरात के वलसाड में तेल टैंकर पलट गया, हादसे के बाद टैंकर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कल से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज, मुंबई दिल्ली के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा पहला मुकाबला। कल चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी, शाहरुख खान सेरेमनी में करेंगे परफॉर्म। टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने लगाई 14 स्थान की लंबी छलांग, रैंकिंग में 15वें पायदान पर पहुंच गए हैं जायसवाल। और शादी के बंधन में बंधे रकुलप्रीत और जैकी भगनानी, गोवा में उन्होंने 7 फेरे लिए। Zee News.